हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी टू हेल्प यू। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, वो है आप लोगों का जो इनवॉइस होता है वो एक्सेल में कैसे बना सकते हैं आप। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, हाउ टू मेक ए इनवॉइस इन सी शार्प, मतलब जो सी शार्प लैंग्वेज में था वो एक सॉफ्टवेयर में था। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है एक्सेल के ऊपर। बहुत लोग का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना नहीं चाहता अपने सिस्टम में, तो एक्सेल को तो बाय डिफॉल्ट ही आपका रहता है, वो एक्सेल से ही आपको कैसे बनाना होता है और एक्सेल से इनवॉइस, मतलब आप भी कुछ भी करोगे वहां पे, कुछ भी सेल करोगे जो आपका इनवॉइस बन के कस्टमर को रेडी हो जाएगा, दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बताना चाहेंगे, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा पेज है हैप्पी टू हेल्प यू, और मैं मेरा जितना सारा वीडियो है आप टाइम है तो आप देख सकते हैं, और जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसा एक एक्सेल का सीट आपको दिया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका जो दुकान का नाम, क्या कोई बिजनेस का नाम, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डेमो पर्पस हम दे दिए थे, एक एक जन के हम दिए थे, मगर वो बोल रहे हैं आपका यहाँ पे खुद का ही नाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हो, तो मेरा ही नाम डाल दिया यहाँ पे, और एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर सब दे दिया, आप आपके हिसाब से वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर का पार्ट। अब नीचे क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, और डेट तो ऑटोमेटिकली आज का डेट का पुल करेगा, और यहाँ पे एस एल नंबर, सीरियल नंबर, सब कुछ आप देख सकते हैं। हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहले सीधा यहाँ पे आ गए कस्टमर नेम, हम अपना ही नाम डाल देते हैं, कस्टमर नेम, ओके। उसके बाद कस्टमर एड्रेस कोलकाता, फोन नंबर कुछ भी डाल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे जब भी टैप करेंगे आप यूनिट में आ गए, यूनिट में वन दे दिए, देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। आप दे दीजिए कोई भी एक एक एम आई मोबाइल, ठीक है, तो ऐसे के कोई मॉडल नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है, MI A2। उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सेल है दुकान पे, जो जो स्टॉक होगा वो डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट आप चाहे तो दे सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे ही इसको प्रिंट कर देते हैं, 16,000 दाम, एंटर मारे तो देखिए यहाँ पे 16,000 दिखा दिया नेट अमाउंट। और यहाँ पे अगर मान लीजिए 5% डिस्काउंट भी दे सकते हैं, तो ले सके 15,200 हो गया, ठीक है, आप जितना हिसाब से आप डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15,200 वो टोटल भी आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रुपीस में भी आ गया, ठीक है, रुपीस में भी आ गया। उसके बाद कस्टमर सिग्नेचर, कस्टमर अकाउंट सिग्नेचर, तो सब कुछ दे दिए, थैंक यू फॉर विजिट अगेन, और यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं आप, हेडर फुटर में जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हैं। उसमें जाके क्या होगा, आप जब भी यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपका कैसा प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, कि 2 पेज में आ रहा है, कि 3 पेज में आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ही पेज में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको काट दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो आपको डिटेल्स भरना, हो गया, उसके बाद प्रिंट कर दीजिए। हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, देखिए प्रिंट हो गया, यहाँ पे मांग रहा है कस्टमर का नाम, मांग रहा है, हम दे दिए। IN, ठीक है, तो चला जी IN, इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं, और सेव डन। देखिए पूरा जो डेटा था वो सब मिट गया, सब 0000 हो गया। अब जाके क्या हुआ, आप तो एक कस्टमर को दे देगा, जो प्रिंटर, जो प्रिंटर से निकलेगा वो कस्टमर को आप दे देख दे, मगर आपके पास तो कोई डेटा नहीं है ना, आपके पास क्या सेव किया है, सेल किया है, कितना क्या किया है, वो आप कुछ डेटा नहीं है, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए, वो है
इनवॉइस डेटा नाम के, देखिए नीचे एक टैब है उसमें क्लिक करिएगा। देखिए आज का डेट, सीरियल नंबर, नाम, जो जो हम फिलअप किए थे वो सब यहाँ पे सेव हो गए। MI2 सिलेक्ट किए थे 15,200, वो एक्चुअल इसको प्राइस में दिए हैं, वो डेटा सेव हो गया। अब जितना सारा यहाँ पे आप करते रहोगे, मतलब डेटा फिल करते रहोगे, वो वहाँ पे जाके सेव होता रहेगा। तो फिर का आपका सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट होता जाएगा, जो कितना सेल किए और कितना कस्टमर को दिए, कितना रेट में दिए हो, तो सब कुछ डिटेल्स आप एक शीट में मेंटेन कर सकते हो। और भी एक चीज़ है, जब लोग हम काटते हैं, मतलब इसको डायरेक्ट काट लिया, तो फिर क्या एक सेव का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वो सेव का ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया, वो ऑटो सेव हो जाएगा जब भी काटे, ऑटो सेव। बहुत तरह के जो डेस्कटॉप में हम अगर आप यूज करना चाहते, जो कभी UPS नहीं रहता, वो लाइन कट हो जाता तो आपका डेटा भी लॉस हो सकता था। इसलिए क्या किया, जब भी एक्सेल शीट मेरा बंद होगा ना, वो ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। देखिए मान लीजिए अभी लाइन चला गया, कुछ भी हुआ, मेरा सिस्टम खराब हो गया, वो कुछ भी हुआ, इसको हम काट दे रहे, डायरेक्टली काट देते, देखिए चला गया, तो आप वो डेटा तो नहीं रहेगा, मगर इस फिलहाल से यहाँ पे देखिए वो डेटा ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। देखिए फिर से ऑन किया उसको, ये देखिए डेटा सेव है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ओके। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी बता रहा है, 1 2, क्योंकि 1 2 बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 है। हम और भी कुछ फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि राम सिलेक्ट कर लिए, कोलकाता सिलेक्ट किए, फोन नंबर ऐसे डाल दिए, यूनिट डाल दिए, माउस डाल दिए, 250 का एक माउस कर दिए, उसके बाद प्रिंट कर दिए। देखिए यहाँ पे 2 दिखा दिया, अब कुछ भी नाम पे हम डाल देते हैं इसको डेस्कटॉप में, देखिए डेस्कटॉप में डाल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक डेटा आ गया राम नाम के, ठीक है। अब चलते जो प्रिंट आउट निकला उसके बारे में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट आउट सत्यजीत चैटर्जी के नाम पे निकला था। सत्यजीत चैटर्जी यहाँ पे सब MI Wave A2 लिया था, बिल नंबर 1 था। उसके बाद देखिए पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। आपका अगर प्रिंटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली प्रिंट निकल जाएगा और डेटा भी सेव हो जाएगा। चलते हैं दूसरा प्रिंटर के, और एक तो हुआ था यहाँ पे माउस लेके, ये देखिए वो राम कोलकाता, ठीक है, वो नंबर 2 नंबर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं वहां पे माउस लिया था, उसका कितना हुआ था, सब डिटेल्स आप कस्टमर को दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 1 by 1 है, मतलब वो एक ही पेज है। तो इस तरह का आपका वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, और इस सॉफ्टवेयर को अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ जरूर मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको दे देंगे एक्सेल में, आपको आपका जो जो रिक्वायरमेंट हो मुझे भेज दीजिएगा, आपका अनुसार हम बना के आपको दे देंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। आज का वीडियो मेरा इतना ही तक था, थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे।